वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। दोस्तों आज जो वीडियो मिली है हमें वो है डार्क रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो वो रियलिटी आज कैसी है आज पता चलेगा। और थंबनेल में तो मेजर गौरव आज बैठे हुए हैं और गौरव ठाकुर जी भी, तो देखें गैप इन नॉलेज है, ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर लेते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑल मुस्लिम्स लाइक मतलब हमास इज मुस्लिम सो वी शुड सपोर्ट देम, बट देन दूसरे भी मुस्लिम संगठन है जो कि हमास के अगेंस्ट है। देखिए मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा, मैंने ऐसा कोई इस्लामिक संगठन का नाम नहीं सुना जो कि रेडिकल ना हो। अगर है तो मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। जहां तक पाकिस्तान की बात है वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है, उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना। वहां की गौरव सिर्फ फौज रेडिकलाइज नहीं है या ISI रेडिकलाइज नहीं है, वहां पर आम आदमी रेडिकलाइज्ड है। आम आदमी पाकिस्तानी अमन के बारे में शांति के बारे में कब बात करता है? जब आप उसकी दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर में बैठा देंगे ना, तब वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा। पाकिस्तानी के पास 2 रुपए जेब में आ जाएं वो जिहाद के घोड़े पर चढ़ के तलवार घुमाना शुरू कर देता है। मैं तो उनको जानता हूँ, उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, पाकिस्तानियों को। आप मान के चलिए मुहावरतन बोल रहा हूँ, मेरी ट्रिपल PhD है पाकिस्तान। आम आदमी बजा रहा है, इनके खून से, इनके DNA से, इनकी सोच से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जहाँ तक बात है हमास की कि दे डोंट अग्री विथ ईच अदर एंड PLO सेज दैट यू नो वी आर द टू रिप्रेजेंटेटिव्स, PLO प्रैक्टिसेस सॉफ्ट टेररिज्म, हमास प्रैक्टिसेस हार्ड टेररिज्म, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जो लड़ाई है इनकी लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आपस में पावर की, यू आर राइट। नाउ यू हिट द नेल ऑन द हेड, कभी हमास हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में, कभी PLO हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में। दैट्स इट, इन दोनों का मुद्दा वही है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2005 में, और ये काफी डिस्कशन में था मीडिया में 2-3 दिन पहले तक, 2005 में इसराइल पूरा गाजा से पीछे हट गया, 9,000 इसराइली थे वहां पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया, और उसने पैलेस्टीनियन मेथड जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को बोला कि भाई लो पूरा गाजा आपका, हमारी फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये जमीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूँ चाहते क्या है। अच्छा, जो मैं बोलूंगा ना थोड़ा सा अनपॉपुलर है लेकिन ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। गौरव, मैं आपको बताता हूँ, ये चाहते हैं कि इसराइल बर्बाद हो जाए, टू पुश द ज्यूज इन टू द सी, समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को, इनको मार दिया जाए। तो वेन दे से फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इनकी कहावत है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी, ये रिवर कहाँ है और सी कहाँ पे है? सी के बगल में तो जूस बैठे, सबको धकेलो समुद्र के अंदर डालो, एक राज होना चाहिए। दिस इज व्हाट हमास वांट्स, दिस इज व्हाट PLO वांट्स, क्योंकि इसराइल, देखिए जो इसराइल बना वो तो UN के मैंडेट से बना 47 के एंड में, और 48 में हो गया था। इसराइल तो UN के मैंडेट से बना, इसराइल ने बोला कि जो UN ने हमें जमीन दी हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना इसराइल ने इनकी जमीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था, नहीं 70 इन लोगों ने इसराइल के ऊपर अटैक करा इसराइल की जमीन घेरने के लिए, राइट, इसराइल ने इनको मारा। 5 countries अटैक्ड इसराइल इन 1967, 5 at once, 5 मुल्कों ने हमला करा, इसराइल ने 5ों को पीटा, 5ों को हराया और इनकी जगह घेर ली, इनकी खुजली नहीं मिटी। इन्होंने फिर 1973 में अटैक करा इसराइल को, इसराइल ने फिर और जमीन घेर ली। तो इसमें रोना किस चीज का, क्योंकि आपने क्यों अटैक करा था इसराइल में जमीन घेरने के लिए ना, अब आप हार गए तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, यही है बस। राइट, सो आई थिंक यहाँ पे लाइक मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लाइक मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स है जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, और अगर वो धर्म को थोड़े से मतलब, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा चलता है, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग रेडिकलाइजेशन, अगर वही चीज को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है, लाइक मतलब ये जो सो बट ऑब्वियसली लाइक दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एन यूटोपियन थिंकिंग, राइट, ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है, हम दोनों एक कप कॉफी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है आपने जो बोला चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूँ, मैंने आपसे बोला ठीक है आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में मांडवली, मांडवली मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना,
तब बातचीत करके लेन देन करके मामला खत्म हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूँ आपको भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहाँ बात होगी। पाकिस्तान में इस्लाम के 72 फिरके हैं, देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, आपने आरडीएच ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या, वो तो बटन दबाएगा और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनका हेट क्या है, बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है, वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग है, हाँ अहमदी अलग, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में। सो एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है, ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है, हाँ कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल, सो ये वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता, जो मैं रखता हूँ उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल, इसको निपटा दो। दैट इज देयर, पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप, इंडिया में नहीं है ये। राइट नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं, इतना बिलंद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है, तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट, और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक, हाँ द ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान में, पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ एक कल्ट कह सकते हैं, हाँ और आइए, हाँ और वहाँ पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे, कुछ कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से, बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है, आप दैट इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है, वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अपनी फैमिली का टेक केयर करूँ। भाई साहब पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर लेना, हाँ उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं, वही लॉजिकल अगर बात करे, कोई यही कह दे द वर्ल्ड इज राउंड, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी यार, बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में बड़ी जी। मेजर साहब से कुछ हद तक तो मैं एग्री करूंगा, उनकी बातें ठीक है, हमारे यहाँ वो ऐसा माहौल बन गया है कि आसानी से आप मतलब तनकीद कर सकते हो, या पाकिस्तान में एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, हालांकि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे मुल्क का मतलब यही है, और कायदे आज़म का भी नारा यही था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वाजिबुल कत्ल जो फतवा लगा रहे थे मौलाना टाइप की फतवा दी, हर किसी को कत्ल करेंगे, ऐसा नहीं है, सब अमन से रह रहे हैं, बस थोड़ा लॉजिक नहीं है, हर कोई अपनी बात करता है, अपने आप को अहमियत देता है, फिर के ज़्यादा हो गए 72, वो सही बोला, शिया सुन्नी वहाँ भी ऐसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं, हर कोई अपना कुछ कर सकता है, जो भी त्यौहार है, जैसे अभी मुहर्रम था, और कोई कर रहा था तो उसमें ये नहीं कि भाई ये काफर हो गया, काफर नहीं हो सकता, जिसने कलमा पढ़ा, जिसने आखिरी नबी पर ईमान लाया वो मुसलमान है, तो ये जो मेजर साहब बोल रहे हैं तो उनको थोड़ा मतलब जानना चाहिए, फिर बात करें, और जो आम आदमियों को, जो हमारे मुल्क के जो आम लोग हैं, जैसे हमें बोल रहे थे, तो ये भी थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा, और बहुत कुछ ऐसा है हमारे मुल्क में, हम मानते हैं हमारे लोग जो है वो इंडिया के साथ वो नहीं बनना चाहते ना, इस वजह से भाई मेजर साहब हमेशा आते हैं, टारगेट करते हैं, और ऐसा टारगेट करते हैं कि पूरा हिल जाते हैं हम भी। मेजर साहब भाई आते ही बड़ी बातें कर जाते हैं, फिर वो अपना कह देते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, ऐसा था, मेजर साहब बड़ी भड़के लगा देते हैं एकदम से भाई, अभी भी दूसरा हमारा गौरव भाई था, उसको भी वो भी एग्री कर रहा था कहीं कहीं पर, वो भी ठीक कह रहा था, पर मेजर साहब को ये बात पता ही नहीं है भाई, हमारे फिर के भी एक दूसरे से बड़े उलमा जो है एक दूसरे के मिलते हैं, गले मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप तो सीधा कह रहे हो कि मारते हैं धाड़ते हैं, भाई ऐसा नहीं होता मेजर साहब, बड़े प्यार करते हैं हमारे यहाँ भी थोड़े फिरके बन गए इधर हमें, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं भाई, आप तो पता नहीं कहाँ की कहाँ बात लेकर जाते हो, आप हमारे साथ रहो फिर बातें करो ना, ऐसे सुनी सुनाई ये फॉर्म पर बस गौर करके आप बस लगा के तड़क के बात कर जाते हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी आपसे मोहब्बत है, आपकी वीडियो देखते हैं, प्यार है, ऐसे ही रहने दो भाई, जब भी सुना है ना जहर उगलते सुना है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको पता ही नहीं यार हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, वहां पर भी कितने सारे मजहब है, मैं बोलूंगा सीधा बोलूंगा, जब भी आता है पाकिस्तान के ऊपर ये बात फिर के तो यहाँ पर बने बड़े, वो तो
1400 साल हमारे नबी ने उसको बोल दिया था यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर अमन अमान से तो लोग चल रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़े बहुत लोग जो चलते रहते हैं तो वो तो होता रहता है हर जगह हर देश में वो चलता रहता है। हम भी वाकफ है मेजर साहब से, मेजर साहब हम भी बहुत सारी वीडियो देखी है ना, मेजर साहब जब भी आता है ना पाकिस्तान के ऊपर है ना ऐसा है ना रायता फैलाता है भाई, मेजर साहब जैसे घूम कर आ रहा है ना यहाँ से, भाई आओ यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान आओ घूम कर जाओ तो आपको पता चले ना, आप भी जब भी आते भाई पाकिस्तानी ऐसे करते भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई, आम आदमी को भाई आम आदमी बेचारा खुद रोटी के लिए परेशान है तो आप आपकी हम परेशान यार मेजर साहब, आप भी जब मैं बोलूंगा चूरन भेज दो आप भी भाई, सीधी सीधी बात है रियलिटी सच बताए ना कुछ हिंदुस्तान के बारे में हमें भी पता है, वहां पर भी कितने लड़ते रहते सिख भाई, तो वहां पर तो नहीं बोलता वो, बोलता है वो उगलवादी खालिस्तानी वो बोलता है वो खालिस्तानी है ना उनको भगा दो यहाँ से, हिंदुस्तानी भाई बोल हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं ना, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में घुसे रहता है यार मेजर साहब, खुदा के लिए कभी तो सीधा बोलो तो हमारा भी दिल खुश हो जाए। लेकिन मेजर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बात आपने बताई कुछ बातें सही भी है और कुछ गलत भी है, सही जो बातें है ना वो सही करो और गलत बात जो होगी वो हमेशा गलत ही रहेगी। आप जब बता रहे थे कि पाकिस्तान में उग्रवादी है इसका मतलब दहशतगर्द है ना, हम आपको दहशतगर्द लग रहे हैं, आप एक बात बताओ मुझे आपको पाकिस्तानियों ने क्या किया है ये हकीकत बताओ, आप जब भी आप बोलते हो कुछ भी बोलते हो पाकिस्तान को साफ की तरह डस रहे हो, पाकिस्तान ने आपका बिगाड़ा किया है। सही सही मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारे जो एशिया का खंड है ना पाकिस्तान और भारत एक ही खंड में है, और जो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान में आम लोग आम बंदे के पास पैसा आ जाता है तो दहशतगर्द बन जाता है, ये गलत बात है। दहशतगर्द क्या आपके मुल्क में नहीं है क्या, डाकू आपके मुल्क में नहीं है क्या, सिर्फ पाकिस्तान में है, लुटेरे वहां नहीं है हर जगह पे, लेकिन आप किसी को गाली दोगे तो वो आपको नुकसान तो पहुंचाएगा ना, हम आपको गाली देंगे तो आप हमें नुकसान पहुंचाओगे, इसलिए आप हमारी इज्जत करो हम आपकी इज्जत करेंगे, ऐसे नहीं है कि किसी पे भी कीचड़ उछाड़ो, ये इजाजत नहीं हम आपको देंगे, और कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि हमारे खिलाफ आप इतना बोलो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है उसमें जो लोग ठहरे हुए आम लोग भी दहशतगर्द, आपने देखा है दहशतगर्दी क्या आपके गणपति पे उन्होंने गोली रखी पिस्टल रखा गया कि आपने बोला कि हर आम पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्द, ऐसे नहीं होता है पाकिस्तान। ये आम आदमी की आवाज़ है, बुरा तो लगता है दिल को दुख भी होता है कि जब कोई इसी काम पे वार करेगी ये दहशतगर्द है, ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं हम भी चाहते हैं दुनिया के साथ चलें, दुनिया की तरक्की करें हम भी, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे जाएगा, बस कुछ ऐसी ताकतें हैं छुपी हुई है ना, मानते हैं होता है दोस्ती नहीं होने हाँ, तो पीछे अंदर से वार करते हैं तो आप सबको मतलब टारगेट कर देते हो, तो सबको टारगेट नहीं करना चाहिए, जो है उनको मानते हैं कि हाँ पाकिस्तान ऐसी ताकतें हैं साजिशें कर रही हैं जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देती, लेकिन पाकिस्तान चलेगा जरूर चलेगा कयामत तक रहेगा हमारा मुल्क, और आपको तो सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बस कभी कभी आपकी बातें कड़वी लगती है, ऐसा ना करें, आज आपने एक आम आदमी की हम सब की आवाज़ सुनी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।